फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आप लोग को पता है कि 15 अगस्त आने वाला है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। जिस दिन हमें क्या हुआ था उसके बारे में सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर मैंने रखा हुआ कि जैसे कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता दिवस कौन सा पर्व है, हमारे देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष हुआ, 15 अगस्त 2022 में कौन सा वह मनाया जाएगा, यानी कौन सा ये मनाया, जैसे कि हम बर्थडे मनाते हैं, जैसे कि 5वां बर्थडे है या फिर 10वां बर्थडे है या फिर 25वां बर्थडे है, यानी 25 साल हुए, वैसे ही कौन सा वह 2022 में ये मनाया जाएगा 15 अगस्त। हमें आज़ादी कितने वर्ष बाद मिली, ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे शासन से उससे हमें कितने वर्ष बाद आज़ादी मिली, इसको सीखेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, फिर स्वतंत्रता दिवस पर कितनी तोपों से सलामी दी जाती है, यही सारा क्वेश्चन है जो कि मैंने रखा हुआ कुछ टॉपिक, तो इसी को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जो जरूर जो तिरंगा का जो फ्लैग है उसको ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, लिख कर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पहला है कि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हमारा देश कब आज़ाद हुआ, तो हमारा जो देश आज़ाद हुआ है आपका 15 अगस्त, ये तो 15 अगस्त सभी को पता है, लेकिन सन 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक, ये हो गया फाइनल। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस कौन सा पर्व है, यानी कि क्या है, राष्ट्रीय है कि अंतर्राष्ट्रीय है, तो स्वतंत्रता दिवस क्या है, राष्ट्रीय है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय यानी कि भारत का है, ठीक। हमारे देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष हुआ, यानी कितने वर्ष बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो जो हमारा देश आज़ाद हुआ है मतलब आज़ाद हुए कितना समय हो गया, तो हमारे देश को जो आज़ाद हुए समय हुआ है आपका कितना हो गया है, 76 वर्ष हो गया आज़ाद हुए, 2022 में 76 साल हो गई। उसके बाद 15 अगस्त 2022 में कौन सा वह मनाया जाएगा, तो ये इसका जवाब यही होगा, 76 वर्ष, ये आपका 76वां 15 अगस्त मनाया जाएगा, ठीक है। जो आज आज क्या है, आज हमारा 8 तारीख है, 8 अगस्त, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये 15 अगस्त को ये मनाया जाएगा। हमें आज़ादी कितने वर्ष बाद मिली, हमें आज़ादी कितने वर्ष बाद मिली है, कितने 200 वर्षों बाद मिली है, जो कि कितने संघर्ष के साथ लोगों ने, हमारे महात्मा गांधी जी ने और कितने महान दिग्गज लोगों ने कुर्बानी दी है, तो यही है, ठीक है। तो 2 वर्षों बाद हमारा देश क्या है, आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के शासन से। फिर क्या, 7वां के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है, तो बता दूं मैं आपको, स्वतंत्रता दिवस पर यानी जो हमारा ये 15 अगस्त है, इस पर जो कि भारत के प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, वो आपका क्या करते हैं, तिरंगा को, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं दिल्ली में, जो लाल किला है दिल्ली में, वहाँ पर आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं भारत के प्रधानमंत्री। फिर अगला है, स्वतंत्रता दिवस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला है, स्वतंत्रता दिवस पर कितनी तोपों से सलामी दी जाती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज जो फहराते हैं दिल्ली के लाल किले पे, तो क्या होता है, उस तोपों से सलामी दी जाती है, ठीक है, तो कितनी तोपों से, 31 तोपों से सलामी दी जाती है, ठीक है, 31 तोपों से सलामी दी जाती है। तो यही रहा कुछ 15 अगस्त से जुड़ी हुई सवाल को, जो कि हम सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई सवाल कर दे तो इसके बारे में हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले, भारत के रहने वाले हैं, ये हमारे इस दिन हमारे हमें सब के पूरे देशवासियों को आज़ादी मिली थी, तो इसके बारे में हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में।